नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप में से जितने भी लोग मटन खाते हैं ना तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें क्योंकि ये बात आती है हमारी हेल्थ की दोस्तों आज की इस वीडियो में मटन जो लोग खाते हैं उनके बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ दोस्तों मटन खाने के बाद कुल मिला के तीन ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमें नहीं खाना चाहिए ऐसा क्यों क्योंकि अगर उन तीन चीज़ों को खाएं तो उसके अलग अलग साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर को हो सकते हैं तो इस जानकारी को पूरा ज़रूर सुने दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मटन एक ऐसी चीज़ है जिसको खाने वाले लोग यूँ कहते हैं कि मटन खाने का तो मज़ा ही अलग है दोस्तों हमें मटन खाने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ चीज़ों का परहेज जरूर करना चाहिए नहीं तो हमारे शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है और कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अब वो तीन चीज़ें कौन कौन सी है चलिए आपको बताता हूँ तो दोस्तों पहले नंबर पर आता है दूध जी हाँ दूध हमारे शरीर के लिए कई हिसाब से मायने रखता है इसमें कुछ ऐसे एंटीबायोटिक पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को ठंडा रखने में भी हेल्प करते हैं लेकिन कहा जाता है कि अगर बकरे का मीट खाने से पहले या फिर खाने के बाद दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसलिए मीट मछली या चिकन खाने से पहले कभी भी आप दूध का सेवन बिल्कुल ना करें और ना इसको खाने के तुरंत बाद दूध का सेवन करें नहीं तो दोस्तों इससे क्या होता है दोस्तों इससे आपको सफ़ेद दाग वाली जो प्रॉब्लम होती है ना वो हो सकती है कई सूरतों में कई लोगों के साथ ऐसी समस्या देखने को मिली है इसलिए इस सिचुएशन में दूध का सेवन आप ना करें दोस्तों इसके अलावा दूसरी चीज़ आती है शहद यानी कि हनी जी हाँ शहद की तासीर आप सभी जानते हैं कि गर्म होती है और मटन भी खाने के बाद हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है जो हमारे लिए इतना ज़्यादा हानिकारक हो जाता है ना कि हमारी हेल्थ बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है इसलिए इनको एक साथ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए अच्छे अच्छे चिकित्सक भी ये सलाह देते हैं अब दोस्तों तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है और वो चीज़ है चाय यानी कि टी जी हाँ दोस्तों कई लोग चाय के इतने ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं कि खाना खाने के बाद भी अगर चाय नहीं मिले तो वो मचल जाते हैं लेकिन ऐसी जो आते अगर आपको बड़ी हुई है ना तो उसको बदल देना चाहिए क्योंकि दोस्तों खास तौर पर अगर मटन की मैं बात करूं तो मटन खाने के बाद अगर आप चाय का सेवन करते हैं तो इससे आपको अपच की प्रॉब्लम हो सकती है इसके साथ ही आपको पेट में और सीने में जलन जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है कई सूरतों में कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम सामने आई है तो दोस्तों ये थी कुल मिला वो तीन चीज़ें जिसको मटन खाने के बाद आपको अवॉइड करना चाहिए हम ये नहीं कहते कि के बिल्कुल नहीं खाना चाहिए लेकिन अगर गेप आप दे देंगे ना बहुत ज़्यादा दो से तीन घंटे के बाद का तो आप इसे लिमिटेड मात्रा में खा सकते हैं फिर भी ज़्यादा मात्रा में नहीं तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें यही थी आप सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी जो होती है यही समाप्त तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और पास में दिए गए इस बेल आइकन पर क्लिक करके इस ऑल के बटन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए